नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। डीएड वर्सेस बीएड केस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग दो। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास करेंगे जो आपके डीएड वर्सेस बीएड केस से संबंधित आपके मन में आ रहे हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा, प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है या नहीं। दूसरा प्रश्न है, भर्ती वर्ग तीन भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, फिर भी बीएड की जीत क्यों हुई। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती की। तो वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 11 अगस्त 2023 की बात की जितनी भी ज्वाइनिंग है, यही आदेश माननीय हाई कोर्ट ने भी दिया है। उसके बाद वर्ग तीन में अब बीएड अभ्यर्थियों की भविष्य में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। किंतु एक प्रश्न जो बीएड अभ्यर्थियों के मन में है, साथ ही साथ डीएड अभ्यर्थियों के लिए फिर से चिंता का विषय है कि वर्ग तीन में जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है उसमें पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। भले ही वह भर्ती वर्ग तीन की है, लेकिन इसमें जो कार्य होता है वह हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए होता है। कहने का तात्पर्य कक्षा 10 व कक्षा 12 के छात्रों से संबंधित है यह प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती, क्योंकि जो प्रयोग प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वह कक्षा 12 व कक्षा 10 में होते हैं। इस कारण से यदि जो नोटिफिक जो रूल बुक जारी की जाएगी और उसमें डीएड की प्राथमिकता दी जाएगी कि वर्ग, क्योंकि वर्ग तीन के लिए डीएड अनिवार्य है, और जो रूल बुक में डीएड कर दिया गया शामिल, तो तब उस स्थिति में बीएड को नहीं लिया जाएगा। किंतु यदि रूल बुक में डीएड के साथ साथ बीएड को भी लिया गया, बीएड की कंडीशन क्या है, क्योंकि क्लास 10th और 12th में जो छात्र होते हैं वह बड़े छात्र होते हैं और उनमें प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होती है, तो विशेष तौर पर स्पष्ट किया जाएगा जब रूल बुक जारी होगी। इस कारण से अभी जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है वह संशय का विषय है। किंतु उम्मीद यही है कि जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती हुई वर्ग तीन के लिए जो एवेलिटी होती है वह डीएड होती है। इस कारण से वर्ग तीन में प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती में जो सम्मिलित किए जाएंगे वह मात्र डीएड कैंडिडेट किए जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बाद देखा जाएगा, देखेंगे। दूसरा प्रश्न, भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, फिर भी बीएड की जीत क्यों हुई। तो वैसे तो माननीय हाईकोर्ट में 7 जुलाई को यह डीएड अभ्यर्थी की ओर से सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती रखी गई थी, किंतु माननीय एमपी हाईकोर्ट का जो आदेश था आया, उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि यदि यह सब्जेक्ट टू आउटकम बीएड अभ्यर्थियों की ओर से किया गया होता, तब उस स्थिति में यह सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाती। कहने का तात्पर्य बीएड अभ्यर्थी यदि एमपी हाईकोर्ट में गए होते तब उस स्थिति में सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाती। इस कारण से जो वर्ग तीन की भर्ती है वह डीएड अभ्यर्थियों के केस करने के कारण, डीएड अभ्यर्थियों की याचिका लगाने के कारण सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती को नहीं रखा गया। यही कारण है कि वर्ग तीन की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग ले चुकी हैं 11 अगस्त 2023 के पहले उन्हें सम्मिलित किया गया है या उनको ज्वाइनिंग से नहीं हटाया जाएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।